वेलकम टू पंकू वर्ल्ड एंड वेलकम इन नागालैंड। और अभी हम हैं बिगेस्ट चर्च ऑफ एशिया इन ज़ोनोबोटो नागालैंड, सुमी बप्टिस्ट चर्च ज़ोनोबोटो। यहीं पे वेडिंग हुई थी, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था ये बता रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम हैं यहाँ पर ज़ोनोबोटो में, और भैया यहाँ पे हम रुके थे रात को। ये दोनों रूम है, बाद में अंदर से बताऊंगा मैं। और ये देखो यार, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। वाह, मज़ा आ गया यार। और रात को भी भैया ठंड वंड बिल्कुल नहीं लगी, आराम से भैया बेड वेड सब कुछ है अंदर, बाथरूम, मज़ा आ गया सोने में। और अभी हम जा रहे हैं भैया एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि 12 बज गए अभी, लेकिन ठीक है, आराम से भैया उठे तो भैया भी आ गए थे उस समय, टाइम पास वगैरह किया। उसके बाद भाई ने कपड़े वपड़े भी धो लिए, मैंने भी कुछ काम वाम कर लिया, एडिटिंग कर ली। और अभी हम निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए ज़ोनोबोटो टाउन को। और गाइज आप देख सकते हो, ये है स्कूल, कॉर्नर स्टोन स्कूल है। तो भैया जो हमारे हैं, जो मेरे फ्रेंड है यहाँ पर, वो इसी स्कूल में भैया टीचर है, कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो। और यहाँ से देखो यार, कितना खूबसूरत नज़ारा है इस ज़ोनोबोटो टाउन का। तो हम जहाँ पे रह रहे हैं वो है भैया का कॉटेज, स्कूल की तरफ से मिला हुआ, ठीक है ना। तो भैया ने वहीं पे हमको रात को रुकवाया था, और रात को भैया के साथ हमने खूब पार्टी वार्टी की। बहुत लेट आए थे हम, कम से कम हम आए थे भाई 11 बजे रात को। और भैया के साथ ही बैठ के किचन में हमने खाना वाना खाया, चिकन राइस, खूब इन्जॉय किया। उसका वीडियो तो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि एन्जॉय द मोमेंट होता है ना कई बार, तो भाई सब कुछ आपको नहीं दिखा सकते, कैमरा हाथ में लेने का भी मन नहीं करता है इसीलिए। और यहाँ पे ठंड भैया नेक्स्ट लेवल ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड पे है ना, इस वजह से। और भैया ये हमारे भैया का रेस्टोरेंट, जो कि है बिल्कुल ऊपर थर्ड फ्लोर पे। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे चर्च में। भैया यहाँ पे सबसे बड़ी चर्च है, मतलब बिगेस्ट चर्च इन एशिया, फर्स्ट नंबर तो है केरला पे, और ये सेकंड चर्च है जो कि ज़ोनोबोटो में है। तो भैया दूर से आप चर्च देख सकते हो, कितनी बड़ी दिख रही है दूर से ही, बहुत बड़ा चर्च है यार। कह सकते हैं यार ये एक प्राउड मोमेंट है नागालैंड के लिए, कि ज़ोनोबोटो डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे सेकेंड नंबर बड़ा चर्च है, बिगेस्ट चर्च। लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, इस वजह से उतना मतलब पब्लिक वगैरह भी यहाँ पे नहीं आ पाता है, एक्सप्लोर उतना नहीं कर पाता है। सो मेरी यार रिक्वेस्ट है लोगों से कि एक बार मतलब ज़ोनोबोटो डिस्ट्रिक्ट में भी आएँ, आपको बहुत अच्छा खासा फील होगा। यहाँ पे पूरा हिल स्टेशन है, ठंडी जगह भी है, और देखने के लिए गांव विलेज वगैरह बहुत प्यारे प्यारे विलेज हैं। और ये देखो यार ये नज़ारा है यहाँ का, चलो ऊपर चलते हैं अभी। सो देखो गाइस, सुमी बप्टिस्ट चर्च ज़ोनोबोटो, और बहुत अच्छा यहाँ पे ये डिज़ाइन कर रखा है। सो लेट्स सी, चलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। सो गाइस यहाँ देखो, ये ऊँट पे चढ़कर मतलब जो भी है आ रहे हैं, और यहाँ पर एक हट बना रखा है जिसमें ये, इसकी स्टोरी क्या है मुझे अभी नहीं पता है, तो शायद मैं इसकी स्टोरी पता करके आपको बताऊँ। यू कैन सी दिस इज वाओ, अमेजिंग यार। ओ गाइज आप मानोगे, ये पूरा ना मिट्टी का बना रखा है यार, इतना शानदार। वाओ अमेजिंग ना, कॉर्नर स्टोन द चर्च बिल्डिंग ऑफ सुमी बप्टिस्ट चर्च ज़ोनोबोटो, और स्टैंड्स द हाइट ऑफ 1864 मीटर पे ये है सी लेवल से। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2007 में और कंप्लीट हुआ था 2017 में, और ये डेडिकेटेड हो गया था 22/4/2017 को। और ये इसके लेंथ और ये सब कुछ है इसका।
और टोटल कॉस्ट भैया आया था इस पे 36 करोड़ रुपए बना था। 8500 सीट्स अवेलेबल है इसके अंदर, स्क्वायर 23,73,476 स्क्वायर फिट का ये टोटल है। तो भैया इतना बड़ा मतलब ये चर्च है, आप देख सकते हैं। तो चलो अभी चर्च के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से चर्च को दिखाते हैं। भैया यहाँ पे वेडिंग फंक्शन भी अभी एक हुआ है, जस्ट अभी अभी हमने उनसे बात की है। और अभी यू कैन सी दिस इज वी आर एंटरिंग नाउ, और एक बहुत बड़ा यहाँ पे ट्री बना रखा है। और उसके अलावा देख सकते हैं आसपास सराउंडिंग बहुत सारे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगा रखे हैं। यू कैन सी सीढ़ियों को भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। और आप देख लो यार नज़ारा यहाँ का, कितना बड़ा ये चर्च है और बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने में। और चलो अभी चलते हैं, और हमने परमिशन वगैरह ले ली है यहाँ पे कि भाई शूट कर सकते हैं या नहीं, तो हम शूट कर सकते हैं और आपको अच्छे से भैया चर्च दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पे जो वेडिंग वगैरह होती है तो उसमें बैठने के लिए और फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। एंड यू कैन सी दिस इज़ द चर्च, सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, यू नो दैट। अभी हम बोल नहीं रहे, धीरे धीरे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, यू कैन सी। और ये है बैप्टिस्ट चर्च में नंबर वन पूरे एशिया की। थोड़े से हम अनलकी रहते क्योंकि हम थोड़ा लेट आए, और इससे पहले यहाँ पे एक वेडिंग हो चुकी है। तो देखो उसकी प्रिपरेशन हुई थी यहाँ पे, और अभी ये सब हटा रहे हैं फूल वगैरह। यहीं पे वेडिंग हुई थी, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था ये बता रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी जगह है यहाँ पे ऑक्यूपाइड, तो काफ़ी सारे लोग वगैरह भी आ रखे थे। बट कोई नहीं, चलो इस टाइम चूक गए, और कभी ट्राई करेंगे वेडिंग अगर कभी अटेंड करने का मौका मिला तो ये हमारी खुशनसीबी होगी यार, क्योंकि इतनी बड़ी चर्च के अंदर आना भी हमारे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, वंस इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो सो गाइज अभी हम चलते हैं ऊपर के लिए, ऊपर से आपको चर्च का नज़ारा दिखाते हैं। टॉप पे भी जाएंगे, बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे कि चर्च के टॉप से मतलब ये जो ज़ेनोपोटो सिटी है वो कितनी प्यारी दिखती है। वाह, रियली रियली यार। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम है जो अभी बंद है, तो और ऊपर चलते हैं हम। और आप सोचो इतनी बड़ी चर्च है, यहाँ पर अगर आप मास देखोगे तो कितना मज़ा आएगा आपको, कितना अच्छा लगेगा। इस चर्च में लिफ्ट भी है बता देते हैं आपको, तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं। ये देखो यार ये आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंसर्ट जो हॉल नहीं होते भाई, बड़े बड़े जो ओपेरा के हॉल होते हैं उसी तरह का नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो यार खूब सारे गेट हैं यहाँ पे, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे हम ओपेरा सेंटर में जाते हैं कहीं पर। वाह कितनी सारी कैपेसिटी है यहाँ पे, और सच में मैं मेरी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये देखो ये तो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से ऐसा नज़र आता है, अभी तो एक फ्लोर और है ऊपर। ओ गाइस अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखो भैया यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे। वाह जनाबेरो पूरे टाउन को आप यहाँ से भैया देख सकते हो, कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं यार मकान यहाँ से। वाह इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग टू बी हियर। तो गाइज यहाँ पे टोटल 4 फ्लोर है, लेकिन ना अभी चौथा फ्लोर तो बंद है, यहाँ पे बंद कर रखा है, जब इवेंट होते हैं तब खोलते हैं। तो चलो यार मज़ा आ गया सच में ये देख कर। और यहाँ से देखो आप नज़ारा पूरे जनाबेरो का, बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ से आपको मिल जाता है। वाह इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस ना।
तो गाइज़ ये देखा आपने नज़ारा यहाँ का, बाहर का नज़ारा तो मैं आपको पहले से दिखा चुका हूँ। बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे लोग पिकनिक के हिसाब से भी आ जाते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी बैल है, उस बैल को भी आप बजा सकते हैं और गॉड को मिस कर सकते हैं। सो गाइज़ ये है सेकेंड बिगेस्ट चर्च ऑफ एशिया और फर्स्ट बाप्टिस्ट चर्च ऑफ एशिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप नागालैंड आते हैं तो ज़िनोबोटो डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर आएँ। यहाँ पे आप बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है, बहुत अच्छा यहाँ का विलेज है, और ये चर्च तो भैया ये देखने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। तो चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भैया हमारे चैनल को, और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय। किसने बोला? तूने बोला क्या?